ये है भाई की मेहरान भाई ने इसको भाई सब मॉडिफाई किया होगा और स्टैटिक वाइब यार सरगुद्दा वाले सारे स्टैटिक करी जा रहे हैं। इसके बाद भाई साहब मेहरान को भाई ने किया स्ट्रेट पाइप भाई साहब ये 9 GHz ऑल है और इसमें आपको माइनर सारा कैम्बर करना पड़ता है और वो कैम्बर इसको इतना जलील कर रहा है कि ये बंदा अब सोच रहा है कि एयर से ही जान छुड़वा लेते हैं। जना पूरा इंटीरियर इसने पेंट किया है, ये चेक करना ऑन वाला शशका। ओए होए 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 यार भैया आपका बड़ा कंफ्यूज है कि इसकी जो ग्रिल है इसको क्रोम रखा जाए या ब्लैकआउट किया जाए, तेरा क्या ख्याल है? तेरा क्या ख्याल है इसकी जो ग्रिल है उसको क्रोम में रहने दूं या ब्लैकआउट करूं? ये भी ब्लैक ही तो है, क्रोम की ग्रिल है वो। हाँ ये जो क्रोम है ऊपर लाइट्स की है ना, इसको करते हैं भाई साहब जैसे पहले थी ना ब्लैक वैसे ही करेंगे इसको। जनाब सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपना कसरे अंबाला पे। तेना नु कहना सानू स्पॉन्सरशिप दे, हुण पैसे भी दो। तो जनाब ये हमारे अवैस भाई की गाड़ी आ चुकी है। अवैस भाई को लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे क्योंकि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। और ये है भाई की मेहरान, भाई ने इसको भाई सब मॉडिफाई किया होगा और स्टैटिक वाइब यार सरगुद्दा वाले सारे स्टैटिक करी जा रहे हैं। ऐसे ही अंजे एयर ते आ गए, सुकून लाइफ स्टाइल हो गया। फ्रंट की अगर बात की जाए यार, फ्रंट में क्या क्या मेन चेंजेस किए हैं? एक तो मुझे बॉडी किट नजर आ रही है, दूसरा ग्रिल, उसके अलावा क्या क्या चेंज किया? वेरी गुड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने इसकी वीडियो देखी थी एक, जिसमें जनाब इसने जो नीचे वाली आपको फोग लाइट नजर आ रही है ना, इसके अंदर प्रोजेक्टर भाई साहब फिट किया है। वो आप लोगों को अगर नजर आ रहे हो तो मेरा भी यही प्लान है कि जो हमारी लाइट है ना उसके अंदर से क्रोम फारिग हो चुका है, तो मेरा दिल है मैं भी अंदर प्रोजेक्टर फिट कर देता हूँ भाई साहब, पप्पू सीन हो जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ ये कर लो पहले। बुरहान भी आ गया। उसके बाद जनाब साइड प्रोफाइल की इसकी बात करते हैं। फ्रंट भाई साहब टिंट वाला तूने वैसे बड़ा ही यार के हिम्मत मारी है, इतना ज्यादा टिंट कर लिया। हमारा टिंट कम है भाई का, टिंट वाधू है। कितना करवाया? 50 है। वेरी गुड हो गया भाई साहब, नेरा ही नेरा इसमें कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद जनाब अगर रिम्स की बात की जाए तो भाई ने जो अपने स्टॉक व्हील्स आते हैं ना उसके ऊपर क्रोम वाला कड़ा लगाया और ओके रिपोर्ट किया, क्योंकि 40-50 हज़ार रिम्स पे पैसे खर्चना ना वर्थ इट नहीं है भाई का। दिल है कि सीधे ही को अच्छा रिम डाला जाए, 40-50 हज़ार वाला स्ट्रेट नहीं। इंशाल्लाह कैम्बर शैम्बर वाली साइड पे भैया का जाने का प्लान है। उसके बाद अगर बैक की बात की जाए, रूफ भाई साहब ब्लैक कर दी क्योंकि ब्लैक का कंट्रास्ट बनाना था, स्पॉइलर लगा दिया भाई ने। उसके बाद बैक पे किट नहीं लगाई, लगी तो थी पहले, बैक पे इसकी किट लगाई हुई थी लेकिन गाड़ी काफी ड्रॉप थी तो वो स्पीड ब्रेकर ले जाता था साथ ही किट को। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया था, मुझे स्टॉक बम्पर लगाया तो उसको मुझे पीछे से फिर भी एक गाड़ी ड्रॉप हो और एक ड्रॉप की वो। हाँ क्योंकि गाड़ी ड्रॉप हो ना फिर स्टॉक चीजें भी अच्छी लगती है, जैसे हमारी गाड़ी है ना भाई स्टॉक एक्स जैसी ही है देख लो, बट ड्रॉप हो गई, इसकी एक लुक निकल आई है। छोटे मोटे मॉड्स किए हैं बट मेनली बंपर में हमने कोई चेंजेस नहीं की। यही सीन था, फिर खाली स्टॉक बंपर ही मुझे अच्छी लुक दे रहा था। बिल्कुल गुड हो गया। उसके बाद भाई साहब मेहरान को भाई ने किया स्ट्रेट पाइप। इसका साउंड मैं आपको नहीं सुनाने वाला, क्यों नहीं, हम लोग जगह ऐसी पे खड़े हैं। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। उसके बाद जनाब हम लोग चलते हैं इंटीरियर में इसके, क्योंकि इसके इंटीरियर में भी काफ़ी सारी चेंजेज हैं। सबसे पहले तो जनाब ये 5D मैट्स डाले हैं और ये बंदा भाई साहब काम करने के अंदर जो है ना फुल गोरों को नो मैच मारता है अपनी तरफ से, क्योंकि इसने जो मैट्स हैं ये बेज में आए थे, इसने सुकून से जनाब इनको पेंट किया पेंटर के पास ले जाके। मोमो का जनाब स्टेयरिंग लगा दिया है, ये कुछ बंदा अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपकी नज़र इस पे जाएगी। जनाब ये जो फोज रैप हुआ है ये भी पार्ट इसने फोज रैप किया, वो पार्ट भी फोज रैप किया। डोर्स के ऊपर वाला जो ट्रिम है इस साइड का भी कर दिया है, तो एक फौज वाला जनाब चला दिया है, बड़ा बेहतरीन सीन हो गया। उसके अलावा जनाब सीट कवर्स वगैरह भी ओबियसली चेंज हुए हैं, रूफ इसने ब्लैक पेंट की है,
और यकीन मानो यार मैं झूठ बोलूं, इसकी वीडियो देख के ही रूफ ब्लैक का जो प्रॉपर तरीका कार है ना, इसने ही मुझे बताया था कि भाई साहब इस तरीके से होनी है, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में बना देता है। उसके बाद जनाब अगर बात की जाए तो सारे इसके इंटीरियर के पार्ट, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. भाई सब क्या क्या चेंजेस हुई हैं। A few moments later. जनाब आप लोगों को ना जिशान की गाड़ी की चेंजेस दिखाने से पहले जनाब दिखाते हैं अपना सुल्तान, अपना बुहरान, अपना अब्दुल रहमान। लोग पता नहीं यार तुझे किस किस नाम से जानते हैं, तो वाह भाई इसने नाम रखे हैं, कोई इसको सुल्तान कहता है, कोई बुहरान कहता है, कोई अब्दुल रहमान कहता है। असल नाम तेरा भला क्या है? अब्दुल रहमान ही। अद्धे लोग तेन बुरहान के नाम तो जानते हैं। अच्छा आजाद बुरहान है, ओके ओके ओके, मैंने लगे बुरहान भी नाम होता है। तो यार ये रिसेंटली जो है ना हमारी गाड़ी है दोस्त की, ये एयर के ऊपर आई है। इसमें कौन सा सेटअप लगा है वो आपको दिखाता हूँ, उससे पहले जनाब ये चेक करो फ्रेश इसका जो फ्रंट वाला आप लोगों को नुकसान नजर आ रहा है ना, ये आपके बाइक की कारीगरी है। आपका भाई ये गाड़ी ड्राइव करके इसकी जरा टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा था, गाड़ी ड्रॉप पे थी, हम लोग बातों में लगे थे, आपके भाई ने खड्डे में मार दी। इसकी जरा साइड प्रोफाइल की बात की जाए, फ्रंट पे क्योंकि टीआरडी ग्रिल लगाई है, बाकी सिंपल ही रखा है, डिसेंट सा एक लुक बनाने की कोशिश की है। रिम कौन से है, नाम नो मुझे कोई नहीं पता, बस इतना पता है कि भाई साहब ये 9JJ ऑल है और इसमें आपको माइनर सारा कैम्बर करना पड़ता है, और वो कैम्बर इसको इतना जलील कर रहा है कि ये बंदा अब सोच रहा है कि एयर से ही जान छुड़वा लेते हैं। ऐसी गल है ना, कैम्बर ने बहुत जलील कर छोड़ा, क्योंकि कैम्बर अगर नहीं करते तो गाड़ी एयर पे डेड नहीं होती, जब डेड नहीं होगी तो भाई एयर सस्पेंशन का क्या फायदा। साइड पे फिर जनाब बैटमैन कवर लगाए हैं, साइड के नाड़ लगी हुई है, उसके बाद बैक बम्पर के नाड़ लगी हुई है, और उसके बाद जनाब इसने वही काम किया जो हमने अपनी गाड़ी के साथ पहले किया हुआ था, कि हम लोगों ने स्ट्रेट पाइप की जगह सिर्फ एंड पे जो है ना ढोलकी निकलवा के एक स्टील का पाइप लगा दिया था, उसका बड़ा मजे का साउंड बन जाता है और कानों को तंग भी नहीं करता। वो किया जनाब लिप स्पॉइलर लगाया, और जितने लोग उस थे सारे के सारे ब्लैकआउट कर दिए। यही यार तरीके, अगर आपके पास सेक्स है, आप प्यारे तरीके से बनाना चाहते हो, आप ये काम कर दो। उसके बाद अगर इंटीरियर की जनाब बात की जाए तो आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर पे भाई सब बिग इन्वेस्टमेंट एक जगह पे की गई है, वो है स्टेयरिंग। हम लोगों ने स्टेयरिंग बनवाया था हाइड्रो डिप के अंदर, इसने जनाब अपना स्टेयरिंग बनवाया है ओवरले के अंदर, मतलब ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर जो है आपका फोर वाला लगा हुआ है, और हमारा जो था वो एक डिप है, मतलब एक जस्ट एक टेक्सचर जो है ना स्टिकर की तरह लग जाता है, बट भाई साहब ये ओरिजिनल है। इसकी वाइब, इसकी फील बहुत डिफरेंट है जो हमारा स्टेयरिंग लगा है उससे। उसके बाद जनाब इसने लोगो शोगो कार्बन फाइबर के लगाए हैं, ये इसके जो बेज पार्ट्स थे ना, क्योंकि ये 2020 मॉडल थी, इसने उनको ब्लैकआउट कर दिया, डोर के जितने थे उन सबको भी लेदर किया है, प्लस पिलर्स को भी। अब इसमें एक ही चीज जो है जनाब ब्लैक होने रह गई है, इंटीरियर पूरा ब्लैक हो जाएगा, वो है रूफ। रूफ अब वो नहीं कर रहा, उसकी रीजन क्या है भला, रूफ क्यों नहीं कर रहे? जेनुइन चीज खराब हो जाए, क्योंकि पिलर का तो जनाब ये रैप, ये जो ऊपर लेदर लगे इजीली उतर जाएगा, साफ सुथरे नीचे से निकल आएंगे, उसमें वो चक्कर नहीं है। बाकी गाड़ी में छोटे मोटे भाई साहब बेशुमार मोड्स किए गए हैं, जो इसका पेडल शिफ्टर है उसको भी ओवरले करवाया इसने, जो कि बड़ा बेहतरीन काम हो गया। सीट कवर्स भाई साहब चेंज हुए हैं, गाड़ी बड़ी ही डिसेंट तरीके से एक फैमिली यूज वाली गाड़ी जो है तैयार की गई है, ऐसा नहीं कि भाई साहब गाड़ी को ओवर किया जाए। बाकी आप लोगों का इसके एयर सस्पेंशन का सेटअप चेक करवाते हैं। ओए ओए ओए, तेनो उधर इसको मैं उस दिन लाइव में भी कह रहा था कि यार तूने ट्रंक क्या हाल किया है, ट्रंक में मुझे तो लगता है कि तेरा कोई नमदा नमदा ना कोई नीचे से खुला हुआ है जो इतनी डस्ट आई है, वरना आनी नहीं चाहिए इतनी डस्ट। नहीं नहीं वो पिंडे चलती है ना, वही थलों कोई ना कोई चीज खुली होगी, जिसमें एयर बीएफटी लगी है, डुअल कंप्रेसर बेसिक सेटअप जो आपका $1,750 का है। तो अगर आप लोग भी लगवाना चाहते हो तो अली रजा से आप लोग रابطہ कर सकते हो। अब आप लोगों को जिशान की गाड़ी की चेंजेस चेक करवाता हूँ। जनाब ये आप लोगों को E140, हर बंदे को मेरे YouTube चैनल पे पता है, और अगर आपको नहीं पता तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए। तो ये जाके जनाब आप लोग देखो, जिसको नहीं पता हो मैं आपको बताता हूँ,
बैग में जनाब इसने लाइट्स डाली हैं जो कि कस्टम आफ्टर मार्केट आती हैं, बॉडी किट लगाई है। इन शॉर्ट बताऊंगा गाड़ी में बहुत कुछ है यार, मैं तो यही कहूंगा इतना कुछ है। इन डिटेल देखना चाहते हो तो YouTube चैनल पे जाके वो व्लॉग देख लो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके इंटीरियर में चेंजेस हुई हैं वो आपको वो चेक करवाता हूं। बिस्मिल्लाह जनाब, पहली बात तो ये कि इसका इंटीरियर स्टॉक था पहले, पूरा का पूरा इंटीरियर खोल के A to Z। और यार इतने छोटे छोटे पार्ट थे, मैंने इसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी कि मुझे लगा था कि ये गाड़ी दोबारा पैक नहीं हो सकती। बड़ी हिम्मत है बहरहाल तूने गाड़ी पैक कर ली, मैनू नहीं सी उम्मीद है क्योंकि इसने गलती ये की कि जनाब पूरा का पूरा इंटीरियर एक ही बारी में खोल दिया कि भाई काम ही खत्म करा, बट वो रॉन्ग तरीका था। बट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इसका काम अच्छा हो गया। जना पूरा इंटीरियर इसने पेंट किया है, चाहे आप पिलर्स की बात कर लो, चाहे आप डैशबोर्ड की बात कर लो, पूरे पूरे इसके जनाब गत्ते जो हैं, ये जो पूरे दरवाजे हैं ये पूरे पेंट होते हैं, ये पूरे के पूरे इसने पेंट किया है। डैशबोर्ड पूरा का पूरा पेंट हुआ है, सीट कवर्स नए लग गए हैं, A to Z चीज इसकी पेंट हो गई है इंटीरियर से, है ना मुकम्मल। और रह गई सिर्फ छत, छत जैसे हम लोगों ने पेंट किया इसने नहीं की, इसने यहाँ पे लगवा रही है जनाब अलकंटारा लेदर। अब इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, वो ये है कि इस पे ये उंगलियों के निशान नजर आते हैं, हमारी वाली पे वो नहीं नजर आएंगे, वो जेन्युइन वाली वाइब आती है। बट ये ज्यादा डार्क है हमारी वाली से भी, वीडियोज वगैरह में ये ब्लैक ज्यादा वाइब देता है, ये मौज है इसकी। उसके बाद जनाब इसमें जो सबसे मजे की चीज लगी है ना इस बार, जो कि मैं चाह रहा हूँ मेरी गाड़ी में लग जाए, वो है डायनेमिक लाइट, एम्बियंट लाइट डायनेमिक वाली। चाबी किधर है? पार्किंग के साथ। ये चेक करना ऑन वाला शशका। ओए होए 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 यार, कसम से यार मैंने ये वीडियोस में चीज देखी है, नहीं जस्टिस होती। अभी आपको भी उतना मजा नहीं आ रहा, आप कसम से कभी लाइव आके ये चीज देखो ना, आपने कहना क्या कमाल चीज है। दरवाजों में लग जाती है, डैशबोर्ड इसका टू पीस में आता है, एक राइट साइड पे पीस लग जाता है, एक लेफ्ट पे, बाकी चारों दरवाजों में। बट गाड़ी की वाइब बदल देता है ये चीज। और पिछली बार इस पे स्ट्रेट पाइप था, अभी ये कट ऑफ लग चुका है। कट ऑफ क्यों लगा ब्रो? कट ऑफ पुलिस सुना है, थाने कचहरियां जा रहे हो आजकल। थाने कचहरियां रोज ही चक्कर लग रहे, बिल्कुल यही रोले शोले चल रहे हैं। तो ये था इसकी गाड़ी का भी। बाकी भाई साहब ये सारी ब्यूटीज खड़ी हैं, ये सारे सरगोदियन है और ये कला गुजराती। अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।